हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ और न्यू वर्ड्स शेयर करने के लिए आई हूँ आपके साथ में मैं, जिससे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। सो फर्स्ट वन इज़ प्रायोरिटी, यानी कि प्राथमिकता। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी जब हमें कुछ बोलना है कि मेरी प्रायोरिटी ये है, मुझे पहले इस काम को करना है। सेकेंड वन इज़ कन्फेस करना। कन्फेस को हम ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, यानी कि कोई कुछ पाप कराए, कुछ गलती करी है, उसको कन्फेस कर रहा है, उसको मान रहा है, किसी भी गलती को मान रहा है। प्रिटेंड करना, यानी कि वो उस चीज़ को दिल से नहीं कर रहा, प्रिटेंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है। प्रिटेंड करना मीन्स दिखावा करना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो भी स्पोकन इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय करना। अगर आप अपना दृढ़ निश्चय करते हैं, आप अगर डिटर्मिनेशन दिखाते हैं अपनी, तो आप उस चीज़ को सीख ही जाते हैं, यानी कि दृढ़ संकल्प करना या दृढ़ निश्चय करना। नेक्स्ट है रेगुलर। रेगुलर मीन्स होता है नियमित रूप से, या हम ये भी बोल सकते हैं कि हमेशा करते रहना, ये चीज़ लगातार करते रहना। रेगुलर मीन्स लगातार या नियमित, आप दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक या बहुत ज़रूरी, कि ये चीज़ आवश्यक है, यानी कि ये चीज़ एसेंशियल है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड भी सेम उसी तरीके से है डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स होता है भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव करना, और डिस्क्रिमिनेट मीन्स भी होता है भेदभाव करना, दोनों का मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्किप, मीन्स छोड़ देना, यानी कि उस एक चीज़ को छोड़ करके अगली चीज़ पे पहुंच जाना, उसको हम बोलते हैं स्किप करना, यानी कि छोड़ देना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, और जिसको आप डेली यूज़ में या अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वेल विशर। वो हमारी शुभचिंतक हैं, यानी कि वो हमारे वेल विशर हैं, शुभचिंतक यानी कि वेल विशर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो भी सेम इसी से रिलेट करता है, और बहुत ज़्यादा आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बेलविंग, यानी कि भलाई करना या भलाई करने वाला। बेलविंग भलाई करना है, भलाई करने वाला। आई होप ये जो वर्ड्स हैं आपके स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं आपको वही कहती हूँ, सेंटेंस बोलने की जगह बेटर है कि आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें। जितनी आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, उतना ज़्यादा आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेटर